पिछले दो साल में अक्षय कुमार की एक भी फिल्म हिट नहीं रही, चाहे वो ओटीटी पर रिलीज हुई हो या फिर सिनेमाघर में। लेकिन उसके बाद भी अक्षय कुमार इंडस्ट्री के ऐसे इकलौते स्टार हैं जिन्हें फिल्मों की कोई भी कमी नहीं है। भले ही वो फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्में दिए जा रहे हैं, भले ही फिल्म इंडस्ट्री को उनकी फिल्मों के चलते कितना भी नुकसान हो रहा है, लेकिन फिल्मों में कोई भी कमी नहीं आई है। अब इन्होंने मराठी सिनेमा में एंट्री मार ली है। मराठी फिल्म वीर दौराले में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका अदा करने वाले हैं। अब रोल इनका बड़ा होगा छोटा होगा वो तो नहीं पता, लेकिन रोल जो मिला है वो बहुत ही खास है। इस फिल्म को यानी कि ये मराठी सिनेमा की ये जो फिल्म है अगले साल दीपावली के मौके पर रिलीज होगी और पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली है, अलग अलग भाषाओं में रिलीज होने वाली है। मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए कि महेश मांजरेकर की ये जो फिल्म है कितने बड़े लेवल पर रिलीज की जाने वाली है। देखिए, एक तरफ तो मराठी सिनेमा के अलग ही गौरव की बात है, मराठी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में हमने देखी है और कई लीक से हटकर फिल्में बनी है। जैसे साउथ में फिल्में बनती हैं अलग मुद्दों पर, वैसे मराठी सिनेमा में भी बनती है। बॉलीवुड में तो क्या कचरा बनता है वो सभी जानते हैं, लेकिन अब मराठी सिनेमा का प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं अक्षय कुमार। लोग यही बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार को छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल तो मिल गया, लेकिन क्या वो इस रोल को करने के लायक है। दरअसल लोग इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि अक्षय कुमार जिस तरह से पान मसाला का विज्ञापन करते हुए नजर आए, जिसके बाद उनकी जमकर ट्रोलिंग हुई कि वो अब आइडल नहीं रहे। वो जितनी बातें कर रहे थे कि पान मसाला और नशा करने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए, तो अक्षय कुमार अब उस लायक नहीं रह गए कि वो इस तरह का किरदार करें। पहले ही उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म थी उसको खराब कर दिया है, उसमें कुछ भी दिखा दिया है। अब छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका वो अदा कर रहे हैं, तो पान मसाला का विज्ञापन करने वालों को ये रोल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए खासकर, बहुत कुछ बलिदान किया हुआ है, बहुत कुछ काम किया हुआ है। अपने जीवन काल में उन्होंने ऐसी सी चीजें की है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। लेकिन अक्षय कुमार को ये रोल नहीं करना चाहिए, लोग यही बात सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अक्षय का भले ही कहना है कि उन्होंने विज्ञापन से दूरी बना ली है, लेकिन उसके बाद भी अक्षय का वो विज्ञापन जो है वो लगातार हम सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब पर, अलग अलग टीवी चैनल्स पर हम देखते रहते हैं, क्रिकेट मैचेस के दौरान भी आते रहते हैं। तो फिर अक्षय कुमार ने दूरी बनाई कहां से, यानी जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं तब तक तो वो एड दिखाया जाएगा, क्योंकि वो एड इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि अक्षय कुमार ने उस चीज के लिए पैसे लिए हुए हैं और मोटे तगड़े पैसे लिए हुए, और इसलिए विज्ञापन कंपनियां अपना नुकसान नहीं करेंगी। तो अक्षय कुमार इस चीजों की वजह से ट्रोल हो रहे हैं कि उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल नहीं करना चाहिए था। बाकी आप लोगों की क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं।